हेलो गाइज, मैं खुशी। वेलकम टू द न्यूज टॉक चैनल। हर दिन की नई खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिसकी वजह से आप और हम साथ में जुड़े रहें और आप तक हम नई नई न्यूज पहुंचा पाए। तो चलिए आज की न्यूज शुरू करते हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिन होंगे बेहद खतरनाक, बहुत भारी, रहे सावधान। जी हाँ, मौसम विभाग के मुताबिक आज से अगले 5 दिनों में नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा जैसे स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। वहीं असम, मेघालय, केरल और पश्चिम बंगाल में बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक इस बार मानसून सामान्य के आसपास रहेगा। 96% तक बारिश हो सकती है, हालांकि इसमें 5% तक की कमी या वृद्धि होने की संभावना बनी रहेगी। बाकी जून के पहले महीने में मानसून का एक और पूर्वानुमान जारी किया जाएगा। उत्तर भारत समेत दिल्ली NCR के बारे में स्पष्ट आकलन होगा। इस पूर्वानुमान की सटीकता और गहनता के लिए अलनीनो की परिस्थितियों के साथ साथ प्रशांत और हिंद महासागर की सतह के तापमान पर नजर रखी जाएगी। इतना जरूर कहा जा सकता है कि मानसून के शुरुआती माह में भले ही ज्यादा बारिश नहीं हो, लेकिन अंतिम 2 माह में अच्छी बारिश होने के आसार हैं। वहीं SkyMet Weather 93% बारिश बता रहा है। इसके लिए अलनीनो को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। इस वर्ष मानसून की पहली वर्षा में सूखा पड़ने की आशंका 15% है और सामान्य से कम बारिश होने की आशंका 55% है। सामान्य मानसून होने की संभावना 30% है। मध्य व दक्षिण भारत के हिस्से में सामान्य से अधिक गर्मी पड़ेगी। मध्य प्रदेश, विदर्भ और दक्षिणी राज्यों के कुछ हिस्सों में तापमान अभी से 40°C अधिक है। मौसम विभाग के मुताबिक मध्य प्रदेश और राजस्थान के कई हिस्सों में भयंकर गर्मी पड़ रही है। इसके अलावा विदर्भ, दक्षिण हरियाणा, दक्षिण उत्तर प्रदेश, दक्षिण तेलंगाना, छत्तीसगढ़ के अलग अलग हिस्सों में हीट वेव की स्थिति भी बन रही है। मौसम विभाग ने कल जारी किया था कि देश के बड़े हिस्से में 1 हफ्ते तक और गर्मी का कहर झेलना पड़ेगा। 48 घंटों में मानसून केरल तक पहुंचने की संभावना बताई जा रही है। भीषण गर्मी की स्थिति में सामना कर रहे देश के मध्य और पश्चिमी क्षेत्रों तक भी मानसून को पहुँचने में अभी 7 दिन और लगेंगे। तो कैसी लगी ये जानकारी, कमेंट करके जरूर बताएं।